आज मैं आपके साथ चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करी हूँ, जो कि हम किसी भी ओकेजन पे बनाकर पहले से मैरिनेट करके रख सकते हैं और अपने एट अ टाइम जब हमें फ्राई करना हो तो हम फ्राई कर लें तो गरम गरम सर्व कर सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं उसमें मैंने यहाँ पर लेग पीस लिए हैं 10 अदद। अगर आप चाहें तो जो बड़े बड़े पीसेज यानी कि चिकन के 12 पीस में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आज जो है वो इसको लेग पीस में बना रही हूँ। तो ये मैंने 10 अदद लेकर इस पर डीप कट्स लगवा लिए और इसको अच्छी तरह से वॉश करके पानी बिल्कुल इसका ड्राई कर दिया, छन्नी में रख दिया था, पानी जब बिल्कुल निकल गया तो मैंने इसको अब मैरिनेशन के लिए रेडी है। इसके लिए मैंने यहाँ 1.5 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1 टीस्पून मैं यहाँ नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि चिली सॉस और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 टीस्पून कर रहे हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मैरिनेशन तैयार करते वक्त इसको टेस्ट कर लें और फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। 1/4 टीस्पून फूड कलर लिया है, जर्दे का रंग, ऑरेंज फूड कलर, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत जो ज़ीरा होता है वो, और साबुत धनिया को मैंने हल्का सा रोस्ट करके और इसको पीस लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर देगी मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून फुल मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 अंडा लिया है। अब इसकी हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है बड़ा जिसमें मुझे मैरिनेट करके रखना है। इसमें मैं तमाम पहले मसाले डाल दूँगी और लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें, नमक, ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला पाउडर, फूड कलर, तमाम चीज़ें डाल के हमें मिक्स करना है और मैरिनेट करके रखना है। इसके लिए कोई टाइम की कोई ख़ास लिमिट नहीं है, आप चाहें तो 12 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, यानी कि ओवरनाइट आप फ्रिज में रख दें, और अगर आप चाहें तो 2 से 3 घंटे में भी अच्छा मैरिनेट हो जाता है तो भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी तो उतना ही अच्छा हमारी चिकन में जो है वो टेस्ट। ये मैंने अंडा डाल दिया है और कॉर्नफ्लोर भी मैं डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम लेग पीसेस जो है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। मैरिनेशन अगर बच भी जाती है तो आप इस मैरिनेशन को जो है वो आराम से किसी कंटेनर में छोटे से डाल के और फ्रीज़र में रख दें, और जब इसी तरह की कोई चिकन या कोई भी ऐसी चीज़ बोनलेस वगैरह फ्राई करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये मैरिनेशन ज़ाया नहीं होगी। मैरिनेशन हो चुकी है और अच्छी तरह से मैंने मैरिनेट कर दिया है। ये इसी तरह से थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में ही होगी, तो इसको मैं 3 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट करके फ्रिज में रख रही हूँ और 3 घंटे के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। 3 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको मैरिनेट कर दिया, फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने आधे घंटे पहले इसको फ्रिज से निकाल दिया है। यहाँ पर मैं टिप देते चलूँ कि आप कभी भी जो है वो फ्रिज में रखी हुई चिकन को फ़ौरन निकाल के जो है वो गर्म तेल में ना डालें। उससे क्या होगा कि अंदर बाज़ों का ब्लड आ जाता है या फिर अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है, तो उसके लिए आप क्या करें कि आधे घंटे पहले इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से काउंटर पर छोड़ दें ताकि ये जो है रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा मैरिनेशन को ऊपर नीचे कर लूँगी और इस वक्त वो जो रनी हो रही थी मैं हमारी मैरिनेशन वो थोड़ी सी थिकनेस की तरफ आ गई है। बस अब इसको जो है एक एक पीस उठा के और कढ़ाई में डाल के हमें फ्राई करना है। एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और उसको लो टू मीडियम रख के हमने गर्म कर लिया है और इसको मैं एक एक करके अपने पीसेस को, लेग पीस को हम इसमें डाल देंगे जितने ईजीली आ सकें। कोर लेग पीस मैं एक वक्त में डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही मैंने इसको रखा हुआ है और हम इसको कवर करके पकाएंगे। उससे क्या होगा कि अंदर तक हमारी चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद, तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद, मैं इसका लेड उठा के देख लूँगी कि आया एक तरफ अगर कलर आ गया है तो उसकी फिर साइड टर्न करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका लेड हटा के देख लूँगी कि हमें साइड टर्न करनी है। देखिए, एक तरफ अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसकी तमाम पीसेस की साइड जो है वो टर्न कर दूंगी।
और इसको भी इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मैं लिड कवर करके और वो फिर पकाऊँगी। मज़ीद 3 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और आप ये देखें कि गोश्त ने जो है वो हड्डी छोड़ना शुरू कर दी है, और इसीलिए मैंने इसको कवर करके फ्राई कर रही हूँ कि बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह से बाहर रेस्टोरेंट्स में जो है बड़े बड़े स्टीमर होते हैं, तो जाहिर सी बात है घर में हमारे पास नहीं होते, ये देखें। तो इसलिए हम इसको कवर करके फ्राई करने से क्या होगा, इसको मैंने इसीलिए कवर किया है, ये देखें किस तरीके से जो है बोन्स से जो है वो हमारा इसका गोश्त अलग हो रहा है। तो मैं इसको और थोड़ी सी फ्लेम को स्लो कर दूँगी और इसको दोबारा से कवर कर दूँगी जब तक कि हम बहुत अच्छा सा कलर, गोल्डन कलर आ जाए। जब तक हम कलर डन वो कर देंगे और फिर उसको जो है हम निकाल के डिश आउट कर देंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद मैंने पकाने के बाद इसका लिड खोल दिया है ताकि लिड बंद करने से जो भी वाटर वेपर्स ऑयल के अंदर आए होंगे, अब वो जो है ऑयल को थोड़ा सा हीट मिलेगी तो वो एवोपरेट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको ढक्कन को खुला रख के और उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक अच्छा सा कलर आ जाएगा और जो है फुल डन हो जाएगी हमारी चिकन। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा सा कलर आ गया है और अब मैं इसको आराम आराम से जो है वो निकाल दूँगी और दोबारा से ऑयल का हम टेम्परेचर जो है वो लो करके फिर उसके बाद सेकंड पैन इसमें डालेंगे। गरम गरम तेल में मत डालिएगा वरना क्या होगा कि वो फिर ऊपर से फ्राई हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो चुकी है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है, बिल्कुल फुल डन हो गई है। ये देखें मैंने इसको निकाल के सर्व कर दिया है। इसको मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है जो कि मैं अपनी चरगे की रेसिपी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। और ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और इस टेक्निक को भी कि जो हमने कढ़ाई के ऊपर ढक्कन कवर करके फ्राई किया है, तो इस तरह से करने से आपकी चिकन बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।